नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई। जी हाँ, खबरें ये निकल कर आ रही है कि बीपीएससी की जो पीटी का एग्जाम आज हो रहा था, हालांकि वो संपन्न हो चुका है, ऐसे में अब उसके पेपर लीक की खबर आ रही है। जी हाँ, बीपीएससी 67वीं का पीटी का पेपर लीक हो गया है। बताया जा रहा है ये जो पेपर लीक हुआ है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसका पेपर लीक हुआ है और एक एक क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये मामला सच है तो आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। बीपीएससी हर बार दावा करता है, हर बार एक नई तरह की दावा की जाते हैं कि ये जो परीक्षा है शांतिपूर्ण होगी, ये जो परीक्षा है कदाचार मुक्त होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये पेपर लीक वाला बात सच है, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी प्री का पेपर लीक हो गया है, हालांकि अगर इस बात की पुष्टि की बात करें तो वो नहीं हो पाई है, लेकिन जो अभी तक खबरें निकल कर आई है, और खासकर अगर हम बात अपने रिपोर्टर मिराज की करें तो मिराज ने भी जब ग्राउंड पर इसकी जांच पड़ताल की, उन्होंने छात्रों से जब बात करने की कोशिश की, तो सुनिए कि छात्र क्या कह रहे हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। क्या नाम है? कैसा गया एग्जाम? ठीक है क्या? सही है। सबसे ज्यादा इजी और सबसे टफ क्वेश्चन क्या था? टफ तो सब ये था, कोई ज़्यादा टफ तो नहीं था। ज़्यादा टफ नहीं था? दो घंटे टाइम इनफ था कि और चाहिए था? और तो समय का अभाव हो गया। समय का और थोड़ा चाहिए था और अच्छा हो जाता। तो क्या लगता है इस बार क्रैक कर देंगे आप? क्रैक करने के लिए देखिए, अब तो चांसेस है, जानकारी आ रही है कि क्वेश्चन ही आउट हो गया है। जानकारी ये भी आ रही है कि क्वेश्चन आउट हो गया क्या? अब भी सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ना मेरे मोबाइल पर आउट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है और निकल जाए, क्योंकि बड़ा मेहनत से छात्र जो है तैयारी करते हैं। ऐसा कदाचार नहीं होना चाहिए सबको, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन क्योंकि काफ़ी साल लग जाते हैं। पहला अटैम्प्ट था या आपका दूसरा तीसरा था? मेरा तो दूसरा अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट था, पहला कुछ रीज़न से रह गया था। जब पूरा उम्मीद है बाजी मार लेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे कि एग्ज़ाम उनका कैसा गया, कैसा गया एग्जाम? क्या नाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। मोनू कुमार नाम हुआ। मोनू कुमार नाम हुआ, कहाँ? यही पटना से ही है? हाँ, पटना से है। पटना से ही है। तो क्या लगता है क्वेश्चन सबसे इजी किस में था? क्वेश्चन इजी जीएस का था और जीके ही सब था। क्वेश्चन इजी था, लेकिन जो है पेपर तो आउट पहले ही से हो चुका है। अच्छा, ऐसा उड़ चुका कि पेपर आउट हो चुका? पेपर तो आउट हुआ तब तो जो है कि दिखा रहे हैं लोग। कितना तकलीफ होता है कि पेपर आउट हो जाता है, एग्जाम देते इतनी मेहनत से फिर पेपर आउट? इस एग्जाम के लिए चार्जर जो है कि डेट दिया गया, फिर उसके बाद भी जो है कि क्वेश्चन आउट हुआ, और इसे अब इसे क्या कहा जाएगा, आउट हो गया और उसमें जो है कटअप जो है कि ज़्यादा जाएगा, पढ़ने वाले का जो है कि अलग फेंका जाएगा, चोर वाला अलग जो है कि पास हो जाएगा। लापरवाही यहाँ पे किसकी दिखती है? लापरवाही किसकी दिखती है? जो कि सरकार की ही लापरवाही, आयोग की लापरवाही, और किसका? पूरी तरह से सरकार आयोग की लापरवाही है। हाँ, तो और किसका? तो अगर क्वेश्चन आउट हो जाता है, ऐसा कंफर्म हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं एग्जाम फिर से देना होगा। एग्जाम फिर से तो आयोग के ऊपर निर्भर है, आयोग जो है कि एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है उसके ऊपर है कि हम चोरी कराए या क्वेश्चन वायरल मेरे तरफ से हुआ या ना हुआ, वो अपना करेगा तब ना होगा जो है कैंसिल। तो पहला अटैम्प्ट था आपका या दूसरा तीसरा था? मेरा दूसरा है, दूसरा अटैम्प्ट था। चलिए, तो उम्मीद है कि इस बार आना। उम्मीद कहाँ से रहे, कटअप ही ऊपर चल जाएगा तो उम्मीद कहाँ से रहेगा? आपने मेहनत की तो आपको पता होगा ना? मेहनत ही सब कोई आदमी करता है, सब कोई स्टूडेंट करता है, मेहनत जो है कि परीक्षा पास करने के लिए ही, लेकिन क्वेश्चन आउट हो जाए उसके बाद भी जो है कैसे जो है क्या है रिजल्ट। चलिए, अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग निकले। उम्मीद तो अच्छी है। तो आपने मिराज की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, वहाँ छात्र अपना एक्सपीरियंस तो साझा कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने पेपर लीक की भी बात कही और ये भी बताया कि कितना बुरा लगता है जब इतना मेहनत करते हैं उसके बावजूद जब ये पेपर लीक हो जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं? अगर लीक हुआ है तो इसकी जाँच की जानी चाहिए, और अगर लीक हुआ है तो क्या बीपीएससी फिर से प्री का एग्जाम करवाएगा? ये सब बात की बातें हैं। हालांकि अभी ये बातें निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि बीपीएससी का जो प्री का पेपर है वो लीक हो गया है। हालांकि जैसे ही इस पर आधिकारिक पुष्टि होती है या कुछ भी आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी जाती है तो हम वो भी आपसे साझा करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इंसाइडर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।